कर्क राशि 16 से 23 अप्रैल 22 और 23 अप्रैल कर्क राशि के जातकों के लिए अत्यधिक अच्छी हैं, अत्यधिक फायदे वाली हैं, जबकि 16 और 17 अप्रैल जातकों को सावधान रहने की आवश्यकता है। जातक यहाँ जितना सावधान रहेगा उतना इनके लिए बढ़िया रहेगा। अगर हम बात करें मास आरंभ में ग्रहों की स्थिति की, तो चंद्रमा कर्क राशि के होकर लग्न भाव में बैठे हैं, केतु तुला राशि के होकर चतुर्थ भाव में हैं, शनि कुंभ राशि का होकर अष्टम भाव में हैं, सूर्य बृहस्पति मीन राशि के होकर नवम भाव में बैठे हुए हैं, बुध राहु और शुक्र मेष राशि के होकर दशम भाव में हैं, तथा मंगल मिथुन राशि के होकर बारहवें भाव में चलायमान हैं। 16 और 17 अप्रैल को अष्टम चंद्रमा खतरनाक साबित होगा, चाहे वो स्वास्थ्य के संबंधित हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो आर्थिक संबंधित हो, तीनों दृष्टियों से वो आपको परेशान करेगा। वाद विवाद में ना पड़े परिवार के सदस्यों के साथ, अपने बॉस के साथ या व्यवसायिक मित्रों के साथ वाद विवाद में ना पड़े। थोड़े समय में अधिक धन की प्राप्ति के चक्कर में आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। यदि आप शेयर मार्केट में डेली बेसिस पे निवेश करके कमाने वाले हैं, तो इस समय पर अत्यधिक सावधान रहें, आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपका अमूल्य समय व्यर्थ के कार्यों में नष्ट होगा। इस समय पर परिवार के सदस्यों में मध्य में परस्पर विरोध रहेगा। 18 और 19 को समय विजय सूचक रहेगा। नई प्रॉपर्टी की खरीदारी के योग बन रहे हैं। विवाह आदि मांगलिक कार्यों में विचार विमर्श होगा। अविवाहितों की विवाह से संभावना बनी रहेगी। परिवार में खुशियां आएंगी। 20 और 21 को आपके किए गए कार्यों का श्रेय आपको मिलेगा। आप कोई भी कार्य पूरी तल्लीनता से करेंगे। 22 और 23 को समय लाभकारी रहेगा। संतान की शिक्षा, विवाह, यज्ञोपवीत आदि को लेकर आप कोई महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। परंपरागत व्यवसाय में आप नई तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं, या जो काम आप किसी नौकरी में पुराने काफ़ी समय से कर पा रहे हैं, वहां पर आप कोई नई खोज करने में कामयाब होंगे, जो आपके लिए अत्यधिक लाभदायक होगी। इस समय पर यदि आप प्रतिदिन दुर्गा कवच का पाठ करें और कन्या पूजन, कन्याओं को मीठा और वस्त्र दें, तो आपके लिए अत्यधिक लाभदायक होगा।